जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने आज का शीर्षक डाला है, कुछ ऐसा करो कि करोड़ों लोगों को सीख मिल जाए, तभी जीवन सफल है, तभी जीवन सफल है। अकलमंदों के लिए, इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए नहीं। कुछ ऐसा करो, शाम को एक बाइट लेने आए थे, ईटीवी वाले आते रहते हैं, और जिसकी जैसी नियत होती है वैसे ही उसकी बरकत होती है। आज ईटीवी ने जो मान सम्मान कमा लिया है, करोड़ों के दिलों में ईमानदारी होनी चाहिए, दया होना चाहिए। एक हम ऐसे सुबह चलने लगे बंदर भोज के लिए, एक वीडियो बनाया, जो समझ में आता है हम बोलने लगते हैं, जो समझ में आता है बना लेते हैं। हमारा उसमें कोई सोच प्लानिंग और दिखावा और नाटक नहीं, हमको इससे बड़ी चिढ़ है। जो करो सामने करो, प्रत्यक्ष करो, खुल के करो और बताओ और चैलेंज करो। ये नहीं कि हमने बड़ा अच्छा किया, नहीं, हमने अच्छा किया तो हम चैलेंज ही करेंगे, इसका परिणाम तुम्हारे सामने आवेगा, इसको करके देखो। बंद करना भूल गया, जैसे बैठो वैसे शुरू। हेलो, हाँ, मैं लाइव पर बोल रहा हूँ, श्याम साधु आप लाइव पर आ सकती हैं। हाँ, लाइव पर कुछ चीजें होती है, जैसे हम कोई बात सुने तो तुरंत तो नहीं, वाकई है ऐसा माकूल जवाब मिल जाता है कि अब हम क्या बताएं। बाद में मैंने देखा कि जैसे राणा और क्या क्या सब नाम बदल, तिवारी, ये सब आते रहते हैं, तो मन में आया कि इनसे हम कहें भैया आपको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। अब आप कहेंगे कि हम तो आपको परेशान करते हैं, गालियाँ देते हैं, कलंक लगाते हैं, और आप बधाई हमको दे रहे हैं। जी, हम बधाई देना चाहिए कायदे से, कहिए क्यों। अगर हम अपने ही बारे में सब कुछ बारीकी से बताएंगे तो ये अंधा समाज आसानी से कह देगा, बाबा तो अपनी बड़ाई करते हैं, यही कहेगा। भाई जिनको जलेसी है वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बहाना उनको चाहिए, जिसको जलेसी है वो कुछ जहरे बोलेगा, अंदर से उजल रहा है और कैज का उसको एक पॉइंट चाहिए, बहाना। इसमें देखते होंगे तमाम आते हैं, जो कुछ कमाना चाह रहे हैं वो नहीं कमा पा रहे हैं, जिन लोगों के लूट खसोट में गड़बड़ी हो रही है उनके अंदर जलेसी है, जो बहुल अहंकारी नेता लोग हैं उनके ही अंदर जलेसी है कि हाँ इतने बड़े नेता और लाखों जनता ने करोड़ों ने हमको चुना, देखो। अरे नेता जी, जूते में पॉलिश करने वाले को काहे नहीं जनता चुन देती है, ऐसे रिक्शा खींचने वालों को काहे नहीं जनता चुनती है, इसका मतलब क्या हुआ आप भी जानते हो, जनता जानती है। तो जैसे ये था कि साहब ये सब दोगाल बना रहा है चापलूसी करके कि इसको अवार्ड मिल जाए, उसका बड़ा एक अच्छा जवाब आया हमारे दिमाग ने, कहा हम आते ही इसको बताएंगे, पैर में लगा दें कुछ मच्छर वाला, पैर बार बार ऊपर चढ़ाओ, कभी तुलसी का अर्क लगाओ, कभी ये मच्छर वाला लगाओ। इस समय भाई नगर पालिका बड़ा जोर मारे है, भाई मानना पड़ेगा, नगर पालिका की पूर्णिमा, अगर पूर्णिमा श्रीवास्तव गजब की इंतजाम कर रही है वो महिला, गजब साफ नाले की सफाई JBC लगा करके, और जो फार्मिंग वाली मशीन अभी गुजरी है, जब हम तो बैठ चुके थे इसको, बल्कि स्टार्ट करने में टाइम लग गया,
यानी जितना हो सकता है वो बेचारी कर रही है, एक महिला होकर, बहुत बड़ी बात। पूर्णिमा अग्रवाल है, नगर पालिका के चेयरमैन है। तारीफ करनी चाहिए। तो हमारा मतलब है कि अगर हमारी कोई ख्वाहिश है तो ऐसा कहने वाले एक काम करो भाई, कि अगर हम ये कह दें कि अगर हमको कोई अवार्ड मिलता भी है तो हम नहीं लेंगे, और हमारी एक ही मांग तब भी रहेगी, बड़ी बड़ी जांच करा दो, अरे मशीनें हैं एक से झूठ पकड़ लेती है सब, कि हम दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं कि हमें मोदी जी के चरण का धूल मिट्टी मिले या पानी मिले, हमको अवार्ड नहीं चाहिए। आने वाले तारीख में अगर मोदी जी को पता लग गया कि अरे बाप रे इतना बड़ा भगत हमारा बाबा था, उसने साफ साफ चैलेंज किया कि कोई हो हमारा नाटको टेस्ट करा दिया जाए। हजार बार मैं बोल चुका हूँ, एक कुत्ते के बोलने की वजह से हमको अच्छा मौका मिल जाता है कि बात को और हम बारीकी से बतावें। चाहे दुनिया वालों हमें परखना हो परख लो, चाहे जितनी तुम जांच बड़े बड़े वो करवा लो, देखो हमारे अंतर मन से क्या आवाज निकलती है कि हमें कोई अवार्ड नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि जो जिसको भगवान अवार्ड दे दे उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता है। हुजूर माफ कीजिएगा, जैसे आज पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया, आज पूरे भारत को मोदी योगी ने चुनौती बन गए अपने आप। उन्होंने तो नहीं कहा, पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भाई, अब इतने बड़े पद पर बैठे हैं उनको तो एक एक शब्द एक एक कामा और मात्रा का ध्यान पड़ता है। हम तो जाहिल जट बाबा, हम तो कुछ जानते नहीं, न साल न भाषा का ज्ञान न शैली का ज्ञान, केवल सच्ची बात कोई भी हो, पत्नी का हो, पिता का हो, माता का हो, अपना हो, तो ये बोलेगा श्रीमान, अच्छी बात सच्ची बात बोलेगा, वही तो हमारी क्वालिटी है, वही तो हमारी पहचान है। सबसे बड़ा अवार्ड तो भगवान ने मुझको दे दिया, ये श्याम साधु पूरे वर्ल्ड को ललकारा, कहा हुजूर हमारा जोड़ा दिखा दो भाई, एक आदमी बड़ी कृपा होगी सरकार, एक तो दिखा दो भाई, जोड़ा दिखाओ, हम अकेले क्या अकेले चले जाएंगे, ट्रेन में किससे बात करेंगे, एक तो जोड़ा दे दो भैया दुनिया वालों। और वहाँ चुप, वहाँ कोई जवाब नहीं, फिर कुत्तों को भेजा जाएगा, अब जाओ बाबा जी के बाल गिनो, उनके यहाँ क्या है। तो अभी रेलवे वाली तिवारी जी से बात हुई, तो कोई है तिवारी करके आता है उल्टा सीधा दिखता है, आज दोपहर में नेट बंद हो गया और नेट बंद हो गया, कहाँ का नेट बंद हो गया भैया, हमारा यहाँ का है, यहाँ तो हमारे ख्याल से चलता रहा था। खैर चलिए छोड़िए, मेन बात पर आइए। इसलिए हमको अवार्ड की भूख नहीं है, दुनिया वालों कान खोल के सुनो, कि जो अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड मुझे भगवान ने दे दिया, हनुमान जी ने दे दिया, कि पूरे वर्ल्ड को ललकार रहे हैं कितने दिन से, अरे भैया कोई तो हमारा जोड़ा दिखा दो, एक एक करोड़ दो दो करोड़ का इनाम रखा गया हमारे ऊपर, फिर भी कोई माई का नाम नहीं आया सामने है, इससे बड़ा कोई अवार्ड मिला है आज तक किसी को, अरे ये दुनिया के ऊपर का अवार्ड है। अल्लाह कहने की बात बोलिए आप लोग, इससे बड़ा कौन सा अवार्ड है दुनिया वालों बताओ। तो एक राणा राणा करके अरे ऐसा चापलूसी लगा है, बस ये चाहता है कि हमको अवार्ड मिल जाए, हमको उसका जवाब देने का मौका मिल गया, वाह हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कि जो ऐसी लांछन लगाते हैं तो हम आभार व्यक्त करते हैं।
आप मोदी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं तो उस पर फिर हर किसी को बोलने का मौका मिलता है। तो आप लोग तो उनकी कीर्ति को बढ़ाते हो दुश्मनों। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा था, निंदक नेरे राखिए और आंगन कुटी छवाए। तो ये निंदक से भी और कीर्ति की निखार होती है। जैसे आज मैंने सोचा चलो दुनिया के आगे हम आज इस बात को बोलेंगे, सिर्फ ये हम चाहते हैं कि हम नहीं रहेंगे अगर, या हमारे जीते जी अगर मोदी जी को पता लगा एक बाबा है वो चैलेंज कर रहा है कि हमको कोई अवार्ड नहीं चाहिए, जबकि अवार्ड लेने का हम हकदार हैं, पूरा पूरा अधिकार मेरा बनता है। हमसे ज्यादा किसी ने पर्यावरण पर काम किया हो, हमसे ज्यादा किसी ने पशु सेवा पर काम किया हो, देश में नहीं विश्व में वर्ल्ड में, वो सामने आओ, सामने आओ, बारे में क्या सोचते हैं महात्मा जी, आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं महात्मा जी, इसका मतलब क्या हुआ भाई? 2014 से आप हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं क्या? मैं क्या सोच रहा हूँ वीडियो में सुनो। अरे भाई भारत को, अरे वो बाबा नहीं है जिसको धर्म से प्यार ना हो, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और जो यहाँ का रहने वाला इंसान है भारत का, अरे जिस देश की खाओ उस देश की बजाओ, तो वरना गद्दारों में अपना नाम लिखवाओ। अगर मैं गलत कहता हूँ तो मुझे बताओ। जिस देश का खाते हो, जिस देश पर रहते हो, जिस देश में मरोगे, चाहे लकड़ी लगेगा तुम्हारे ऊपर या बिजली लगेगा या जमीन, यही कि धरती इस्तेमाल में आएगी, कहीं तेहरान ईरान में नहीं दफनाने जाओगे। उस देश के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए। वही इंसान है, वही इंसानियत है। इसलिए कम से कम आने वाले समय में देश को बदलने वाला ये जादूगर शिल्पकार क्या क्या कहें, डॉक्टर कहें, क्या कहें प्रभु को कि जादूगर कहें, असंभव को संभव में बदल दिया। बाप रे बाप, ओहो, सैकड़ों साल के अंतराल में मोदी योगी जैसा राष्ट्र के हित में अगर काम किया हो तो वे दुनिया वालों सामने आओ, हिंदुस्तान छोड़ो, हमें बताओ ना भाई। इसलिए हमें पूछने का अधिकार है कि जो मैंने किया है हुजूर आपको जो जन्म लेना पड़ेगा, नहीं आप करता, एक जन्म तो लेना ही लेना, इस जन्म में नहीं कर पाओगे, 75 साल का इतिहास आपको दिखाना पड़ेगा। वो श्याम साधु मोदी जी को, योगी जी को भगवान का दर्जा दे रहा है, अमित शाह को भगवान का दर्जा दे रहा है। क्या लेना है हमको उनसे? काम किया है उन लोगों ने, तभी तो हम लोग भाई जिंदगी इतनी कुल्हन, जैसे कश्मीर वाले बेचारे पंडित जो भगाए गए, उनके परिवार के लड़के बच्चे जो दिल्ली में पड़े रहे, क्या उनके ऊपर बीत रही होगी, क्या सोचते होंगे है? अरे किनका राज्य था? वो कहते मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, आइसक्रीम खिलाया, कुल्फी खिलाया, रूह अफ़ज़ा पिलाया, इसने थप्पड़ पकड़ के मारे कि तूने तो मेरे बाप का कत्ल कराया रे, तुमने हमारी आबरू को मिटाया, तुमने हमारे देश को जहन्नुम की तरफ ले जाने का प्लान तो तुम्हारा प्रयास किया तुमने, टेंट में भगवान को बैठाया क्या? अरे चुल्लू भर पानी में दो मरो हिंदुस्तान के लोगों, जो हिंदुस्तान की आबरू को योगी मोदी ने आकर के बचा लिया। खुल के बोलो, लहर के बोलो, लेकिन करके बोलो। वो तो भगवान की कथा सुनाओगे जनता डंडा लेके दौड़ा लेगी, भगवान की कथा नहीं परे मानवता की कथा कहो। जब आपके अंदर आ जाएगी मानवता, तभी आपके ओर, तभी आपकी ओर देखेंगे सारे देवता, सारे देवता आपको देखेंगे। 12 लाख रुपया लगा के रामचरित मानव सम्मेलन करवाते हो, हैं? 12 लाख हुआ, 12 आदमी सुधरे, 6
6 आदमी सुधरे, 3 आदमी सुधरे, 3 आदमी राम का रोल अदा किए, नहीं किया। एक आदमी अगर करके दिखा दिया, कहने पागल है, कहने पागल है। मोदी भी तो पागल था, जब चमत्कार हो गया उसके साथ, भोले की कृपा है मोदी योगी अमित शाह पर। मैं दावे से कहता हूं, तब मैंने चरण की धूल मांगी थी। यहां कमीनों ने समझा चरण की धूल चापलूसी कर रहे हैं, चाहे जिनको अवार्ड मिल जाए। अरे अंधे, हमको जोगाड़ू अवार्ड नहीं चाहिए, हमको किसी की मेहरबानी और वो हमें भीख नहीं चाहिए। तो हमारे ऊपर कोई मेहरबानी करे तो हमको मिल जाए अवार्ड, में क्या करेंगे अवार्ड मूर्ख। मैं तो मौत की ट्रेन में बैठ चुका हूँ, मैं पुण्य लेके, और वही पुण्य जाएगा। जितनी बार मैंने मोदी जी के लिए नाम लिया, योगी का नाम लिया, जितनी बार उनके लिए मैंने जो भी किया, हमको पुण्य मिला, वहाँ एंट्री हो गया सब, हमको पुण्य मिला। चाहे जितना खराब आदमी आपके यहाँ खड़ा हो, अगर वो देखो कि गाय गोरक्षा वाली सरकार से जुड़ा है व्यक्ति, आंख मुंह को ओढ़ दे दो, नाराजगी अपनी पी जाओ। क्यों? तुम्हारा दिया हुआ वो धर्म के काम में लगेगा। वो काम किया वो काली गौ माते नहीं, बताओ कितने करोड़ों गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया गया कि नहीं दिया गया, और हर कौम को दिया गया। मजे की बात ये देखो, इसीलिए तो मोदी को मसीहा कहो। मोदी जी ने भेदभाव नहीं रखा, नहीं नहीं कोई भेदभाव नहीं, इसलिए मोदी नहीं वो मसीहा हो गया। यहाँ तो बताया ना कि जय चंदवा तो एक जो ही रहा, और वो आज तक के उसकी कितनी पीढ़ियां बन गई होंगी जय चंद की। हाँ हाँ हाँ, क्या बात दिखा भैया, चौधरी देवेश यहाँ भी आ गए क्या? अच्छा वाह, अच्छा एक काम करेंगे, हमने कहा तो था कि हम एक टाइम ट्राई करेंगे कि एक टाइम हम खाली आप लोग भी राय दीजिए, एक 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 टाइम हम आवें यूट्यूब पर, एक टाइम आवें फेसबुक पर, अगर दोनों में कहिए तो दोनों में एक साथ दोनों काम हो जाएगा। जी जी हाँ देवे भाई, हमने यहाँ भी हैं तो हमको राय दीजिए देवेश जी, मगर इसमें बहुत महीन नहीं लिखा, इसमें तो निगाहें पड़ गई, आज इसीलिए चश्मा लेके बैठे। अरे हमारी ड्यूटी है भैया, देशवासियों तुम्हारी ड्यूटी है, भूखे लोग मर रहे हैं, कोई बहाना चाहिए सरकार को, हमको लगता है कि कैसे तुमको हम आंख में मिर्चा डाल के जगा में, ये अभी तक के सरकारों ने क्या किया, क्या किया? आइसक्रीम फालूदा रूअब्जा, भीतरे भीतर क्या हुआ, हमने ये बनाया वो थोड़े भाड़ में जाए, तूने हमारे धर्म के लिए क्या किया। इतनी भयानक स्थिति देश में आ जाती कि जितने अगवा फगवा है ना, आज ऐलान हो जाता कि इनको ढूंढो मारो, सब अंडा झंडा उतार के फेंको अंदर मंदिर के, इसी तैसी यही होती, यही प्लानिंग थी। गौ माता की आहें, बुला लिया किसी हरिचंद को, जिसने तकलीफ नहीं देखी वो तो दूसरे की तकलीफ को क्या समझेगा। इस औरत के बच्चा ही नहीं हुआ, वो क्या जानेगी कि बच्चा के समय कितना भयानक कष्ट होता है, वो क्या जानेगी किसी की पीड़ा को। वाह वाह चंद्रा साहब, हाँ हाँ जय हो प्रभु जय हो। हर आदमी को गलगल हो जाना चाहिए अगर हमारे हिंदुस्तान के हमारे धर्म की बात के बारे में दुनिया सोचती है। विदेश से लोग आते हैं,
खोपड़ी घोटाए राम राम कर रहे हैं, लेकिन वो तो सब नाटक चल रहा था, अंदरूनी मामला तो ये था। अब सब कुछ 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 देखने को बाकी नहीं रह गया, अब कुछ देखने को बाकी हो नहीं है। कोरोना कब खत्म होएगा? जिस दिन हर हिंदुस्तान का आदमी आदमी बन जाएगा। बिरयानी खिला खिला के कुकर में करवाया लोगों से, विवेक मिश्रा देखो, अरे बाप रे बाप, खाओ बिरयानी आई तो है मिमियानी है। जय हो चंदा साहब, कहाँ कहाँ की आप लोग खबरें ले आते हो भाई। बाबा जी यूट्यूब पर दोनों टाइम आवे, विवेक मिश्रा जी आपका आदेश है, बिल्कुल चलिए इस साथ में भी रहेंगे, एक साथ दोनों में काम हो जाएगा। कैसे हो मानस? मांस खाना छोड़ दिए हम, फिरोज खान साहब। ये फिरोज खान ये शकीला मैडम के आदमी तो नहीं है, या तो वो है शकीला जो हमारी पत्नी के साथ पढ़ाया करती थी। बड़ी अच्छी बात है साहब, हम इस बात के लिए हम बड़े एहसान मंद हैं। हमारी वजह से अगर एक आदमी दो आदमी अगर मांस खाना छोड़ता है तो जीवन में कितनी मांस खाता वो, हमारी वजह से अगर हमारे कहने से कोई छोड़ता है तो उसका कितना पुण्य मिलेगा। अब तक करोड़ों लाखों गौए कट गई होगी, तड़प तड़प के तपा के मारा जाता भारत की भूमि पर, वो योगी मोदी और अमित शाह के वजह से इतना बड़ा हुआ, सारे बीजेपी के लोगों को फायदा हुआ, सारे भाई मंत्रिमंडल वही तो भाई मोदी जी को पीएम बनाएंगे, बनाया है सबका फायदा। लेकिन ये जो हमारे सेनापति का रोल अदा किए, नल और नील का काम किया, लाइव आमंत्रित जोड़े जोड़ना, अब हम तो ज्यादा समझते ही अंदाज से छू लिया, अब बगल में बीच में लिखा है जोड़ना, तो जोड़ना कुछ हुआ, फोटो कुछ हुआ, और क्रास काहे लिए बना है, अस्वीकार किया। छोड़ो भैया ये सब चीजें, भैया उसमें लिख दिया करो, हमारे समझ में नहीं आता। कोई ना कोई आदमी तो रखना ही पड़ेगा। जय श्री राम यादव जी। भैया ये लोग न लिखा करें है ना, कि आप उन्हें कैमरे पर लाएं, ये सब हम ना समझते हैं ना भैया, हमारे पास इतना टाइम है। आप लोग सुनिए देखिए कुछ कीजिए, अपने राष्ट्र को मजबूत करो, अपने हिंदुस्तान को मजबूत करने का मतलब तुम आने वाली अपने बहू बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हो, कहने की बात, आने वाले समय में तुम तो मर के चले जाओगे, तुम्हारे नाती पनाती कश्मीर के जैसे भगाए नहीं जाएंगे, उनका कत्लेआम नहीं होगा। इसलिए इस समय तुम किसी जात के हो किसी कौम के हो, हिंदुस्तान को मजबूत बना दो, बस ना ये कोई हमको फीस चाहिए, हमें हमें कुछ कोई लेना देना नहीं, इतनी मेहनत किया इतनी कुर्बानी किया है तो काहे लिए आज तक किसी नेता के बारे में बोले, काम किया हमारा देश बच गया भाई, हमारा राष्ट्र मजबूत हो रहा है,
मुस्लिम महिलाओं का फैसला मोदी जी कर रहे हैं और फिर भी उनके लोग बुराई करते हो, अपने आप को गद्दार साबित करते हैं आप है? अच्छा ही तो किया, हम जो अपनी पूरी जिंदगी तबाह किए हैं कुछ आपसे हमने लिया, किसी ने हमें कुछ दिया है? हमारे लिए क्या किया? अब बाबा जी ये चना ले लो, बंदर खिला देना, यानी और हमारा काम बढ़ा जाए कि आपने घटाया। लेकिन चूंकि हम तब भी आभार व्यक्त किए, चलो भाई थोड़े लेके जाते रहे, मजा नहीं आता रहा तो लोगों ने चना दे दिया, गाड़ी दे दिया, ये दिया वो दिया, लेकिन उसमें तमाम लोग जुड़ गए, बड़े बड़े लोग जुड़ गए। लो बाबा पैसा, लो बाबा पैसा, अरे इनका है महाराज पैसा लेने वाले जेल के अंदर बैठे हैं, प्रभु हमको वहां ना भेजवाओ, भगवान न करें कि बंदर का निवाला हमें खाना पड़े बुढ़ापे में, धिक्कार है ऐसी जिंदगी को, आज भी करोड़ों की हैसियत है। महाराज अब लोगों के दिमाग में अरे बहुत पैसा आ गया है, अब आप देखो बहुत आ गया है क्या, बहुत अंधा है, इतना अंधा समाज है महाराज की वाल न पूछो, बहुत अंधे हैं सब। अथा पैसा होता ना तब 10-15 हजार रुपया महीने देने पर हम रख लेते, ये जो आशीषा नंद है अभी 15 हजार का महीना दे, जो ऐसे तुम हिलाएंगे वो उनके जैसे साथी, चलो बेटा हमारे जितनी सीडिया सब निकालो, सब हार्ड डिस्क में डालो, काट छांट के निकालो और सब अपलोड करो, पूरी दुनिया देखे। हम तो लगे हैं कि मेरा भारत का नाम हो, मोदी जी योगी जी लगे हैं कि हमारा भारत का नाम हो, भारत बचे। काहे की मेहनत कर रहे हैं, काहे इतना बड़ा जान की मुसीबत ले रहे हैं, उनको भगवान ने भेजा है इसलिए कई जन्मों तक, एक जन्म नहीं कई जन्मों तक योगी मोदी और अमित शाह ये तीन के तीनों कई जन्मों तक राज करेंगे। क्यों? काम किया है, भूखे रह के काम किया, भूखे रहने का मतलब घोटाला नहीं कमाया, बिल्डिंग नहीं बनवाई, जमीन जायदाद नहीं बनवाया, ऐसे ऐसे पीएम सीएम की जरूरत है आज इस भारत देश को, करके और करके दिखाया जादू जो बड़े बड़े आए है, बड़े बड़े सबसे मेन मुद्दा था हमारे यहाँ गोहत्या, गरीब गरीब गरीब, तीन शादी और 13 बच्चे, गरीब गरीब। अच्छा गरीब करीब दो, ये किसी ने बैंक लिखा था कि नेता लोग गरीबी का रोना रोते रोते अमीर बन जाते हैं, गरीब कहते कहते वो स्वयं अमीर नहीं, एक बड़ा तगड़ा बैंक था किसी का, लेकिन भैया और बात मान गए हम, आज के इस कलयुग में बेशर्मी का भी एक फैशन है, उनको चाहे कुछ भी कहो उनको इससे उनके ऊपर कोई असर नहीं, और चाहेंगे हमारा रौब रौब गांठने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ 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 जय हो जय हो, अरे जय प्रभु जय प्रभु, हाँ हाँ जय प्रभु जय भगवान जय प्रभु। अरे अरे देवेश जी, अरे यार इस पर आओ यार, बड़े बड़े पर लिखो, उसमें तो हमको चश्मा लगाना पड़ेगा, ये महीन महीन आ रहा, बड़ा स्क्रीन नाती जी अब इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, काम है उनका, चलो भी क्या करें, क्या बात, अरे वाह क्या समाचार दिया प्रभु, क्या समाचार दिया देवेश जी। हाँ तो आइए आप इसी पर रहिएगा, उस पर भी आ रहे हैं, चलो भैया चलो लगा, इससे थोड़ा आराम ही मिलेगा। ऊपर यार कुछ लिख के आता है और जब छो दुख से गायब हो जाता है, कौन गुरु क्या अंग्रेजी में लेके आया होगा, कुमार संभव
अमित शाह की बीमारी की गलत अफवाह देने वाले चार लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जय हो प्रभु। हाँ 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 जय हो। वाह, लोगों को तो बड़ी दुर्गति होनी चाहिए। गंदे और कमीने लोग हैं बाप के बाप आज के जमाने में। हमको क्या लेना देना अमित शाह जी से? हमको भगवान का दर्जा दे के हम उनको भगवान जैसा मान रहे हैं। क्यों? हम पुण्य कमा रहे हैं। आज इनका जितनी बार आप नाम लेंगे किसी धर्मात्मा पुण्यात्मा का, तो आपके पुण्य में इजाफा होगा। हमसे बात करो, फलाने ये लिखा है वो लिखा है। अरे तू केवल किताब से, किताबी कीड़ा है क्या? अरे केवल किताब से बोलेगा। लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, कही कहाई बातों को रिपीट करते हो। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके। कुछ नया बोलो, कुछ नया लिखो और कुछ अपने तजुर्बे से बोलो। आज जरूरत थी मोदी जी के पैर पकड़ के लोग पूछते कि प्रभु ये सही बात बताइए प्रभु, एक गुफा का राज क्या है कि जाप ने मिट्टी छुआ सोना हो गया? राज क्या है प्रभु? हालांकि बहुत गुफा और आध्यात्मिक राज नहीं बताया जाता, लेकिन इतना ही प्रभु ये सम कैसे हुआ प्रभु बताओ। उनका भी हौसला बढ़ता कि ना बढ़ता है? अरे वो भी भगवान को प्रार्थना करते कि हे भोलेनाथ, किया आपने अब श्रेय हमको मिल रहा है। अब आप सही भी है। अरे भाई बड़े बड़े नहीं कर पाए, नहीं कोई नहीं, उसके एक अंश मात्र नहीं काम किया। इतना सिंघल साहब चले गए हैं, इतना नहीं कोई कर सकता। मार काट हुआ, दौलत खर्चा हुआ, हुआ कुछ नहीं। लाखों रुपए भंडारे में लग गए, एक कुत्ते का भी पेट नहीं भरा। ऐसे लोगों को पकड़ के जहन्नुम में भेजो, बंद कर दो इनको जेल के अंदर। सबसे बड़े देश को दुश्मन है ये। और यहाँ न लाठी न डंडा न सूता न कपासा, इतना बड़ा काम असंभव। ऐसे लोगों की पूजा करना प्रत्येक हिंदुओं का हिंदुस्तानियों का कर्तव्य बनता है। प्रत्येक हिंदुओं का कर्तव्य बनता है कि एक ऐसे वर्ड को ललकारने वाले बाबा को समर्थन में खड़े हो जाना चाहिए। पैसा मत देना, पैसे की जरूरत नहीं। क्या करेंगे हम तुमसे पैसा देके? करेंगे क्या यह बताओ? जो हमारा काम चल रहा है तो हमसे लोग जुड़े हैं, कर रहे हैं, काम चल रहा है, गाड़ी दौड़ रही है, इसके अलावा हम क्यों एक अठा करवा में? तो पाप और पुण्य की परिभाषा दुनिया वालों अगर सीखना है तो यहां चले आओ। ये कर्म करके दिखाएगा, मैं कहानी नहीं ये बाबा सुनाएगा। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने कहा, नारद जी ने कहा, अरे बेकूफ तूने कहा क्या? अरे क्या किया आज तक आपने जीवन में? और सुनो दुनिया वालों, सबसे बड़ा इंसान मनुष्य की अगर एक पहचान है, एक ही केवल बात, दूसरा नहीं है। यह हो चंद्रा साहब, मन का मुलायम होना। आपका मन जितने ही कोमल होगा उतने ही बड़े आप संत के दर्जे में आ जाओगे। उतने बड़े आपके बड़े बड़े संत आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। कौन संत? संत का मतलब क्या हुआ? कहा गया है कि संतों का हृदय मक्खन के जैसा मुलायम होता है, नरम मक्खन। दूध तो मत करके मक्खन निकालते हैं ना, कच्चा मक्खन, माखन, मक्खन। गदीली में रख दो यहाँ थोड़ी देर, तो जो हाथ की गर्माहट है उससे वो पिघलने लगता है। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? कि किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो
इससे बड़ा कोई धर्म हो दुनिया वालों मुझे बताओ। आप किसी धर्म मजहब के हो हमें जवाब दो। आप हमसे भी सवाल करो हम आपको जवाब देंगे। केवल किताब से बात करोगे हम घसीट के थप्पड़ मार देंगे चेहरे पर। कुछ अपने अनुभव से बोलो, तजुर्बे से बोलो। ओ बाबा ने घी खाया, बाबा ने घी खाया, हमारे हाथ में घी लगा है। ये कहानी मत सुनाओ, ये बेशर्मी की बातें हैं। बाबा ने घी खाया था ना रे, तो तेरे हाथ में चिकनाहट कहाँ से आ गई? अनुभव से बोलो, उसमें अपनी राय दो। राम से अधिक राम कह दासा, कई बार हमने कहा राम से अधिक राम कह दासा, यानी दास माने नौकर, राम से अधिक होता है वो। आहा, टीका चंदन वाले बाबा लोग और मंदिर जाने वाले गलगल हुई है भाई, और का बड़े खुश है राम से मैं अधिक हूँ। टाइगर आपकी टाइम लाइन पर एक लिंक साझा, भैया इसका मतलब ही नहीं समझते। आपकी लिंक पर एक साझा किया है, हम इसका भाते नहीं समझते। हमको तो इसने बता दिया ये टीवी ऐसे ऑन करो बाबा, ये रिमोट पकड़ो, एक नंबर दबाओगे तो ये बोलेगा, तीन नंबर में ये बोलेगा, बस मैं इतने ही जानता हूँ। अब लोग लिख रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, बोलते 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 थक जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, कौन लिंक कौन लंक कुछ हम जानते नहीं सर। इसलिए सबसे बढ़िया है कि आप लोग सुबह भैया 5 बजे 6 बजे हमसे फ़ोन से बात कर लिया करो, एक एक मिनट दो दो मिनट, या तो रात में करो थोड़ा सा, नहीं तो सुबह 5 बजे 6 बजे 4 बजे। बिस्तर पर रहते हैं, अंधेरा होता है उस समय, ना हम फुलवाड़ी में काम कर सकते हैं, ना हम बाहर कर सकते हैं, तो चारपाई में लेटे हैं अपने, ना मैं भजन गाता हूँ, ना कुछ मैं कुछ करता नहीं। हमको तो काम दिमाग में अभी उठेंगे तो ये करना है, वहाँ सीमेंट का हौदा भरवाना है, वहाँ उनको ये देना है, उनको ये फोन करना है। अरे दुनिया वालों, हिंदुस्तान वालों, जरा बताओ ना, सेवा परमो धर्म, बोलो तो। बाबा बड़े हो गए, आप बड़े हो गए, माना कि आपके पास बड़ा पैसा बड़ा पावर है, कब तक के लिए है बोलिए, कब तक के लिए है? कितने साल, कितनी होली और दिवाली देखोगे यह बताओ? इसलिए लोगों को यह बताओ कि अपने जैसा सारे प्राणियों को उसकी सबकी तकलीफ अपनी, इसलिए कि तुमको भी वहीं जाना है, और इसीलिए भगवान ने मौत बनाया है, समझ गए? इसीलिए भगवान ने मौत बनाया है कि बेटा तुम कुछ भी हो, पूरी दुनिया के तुम बादशाह बन जाओ, लेकिन तेरी मौत आके रहेगी, फिर से तुझे जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ जन्म लेगा, कौन सी फैक्ट्री में तुम्हारी तकदीर बनती है बोलो है? तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा जो जो तैयार होगा वो कहाँ होगा? कानपुर में होगा या कलकत्ते में होगा? तुम्हारे द्वारा किए हुए कर्मों से ही सब बनेगा। जितने ज्यादा बताओ, हमने मुलायमियत है तब तो हम बवाल ले लेते हैं सब, जिसका कोई ना हो उसके हो जाओ, उससे बड़ा कोई धर्म हो तो मुझे बताओ, लेकिन चुप। जब मैं सवाल करता हूँ तो चुप, अब उसके बाद तो कोई बहाना हुआ तो आगे गाली देने के लिए, चढ़ाने के लिए। तुम्हारे भाग्य में लिखा बाबा लंगोटा है, चले जा रहे हैं। अच्छा, अरे अंधे, अरे पूछ, अरे बाबा कितने आप, आपका हृदय क्या है? देखो जो आदमी कार्य करता है वो अपने हृदय से करता है ना, उसके मन में जब पीड़ा होती है तभी तो हम बवाल देते हैं है? राष्ट्र के पति मोदी योगी के मन में पीड़ा थी, खून का घूंट पी रहे होंगे उस समय,
जब इनको पावर में आया, मौका मिला, तब उन्होंने हिंदुस्तान की परिभाषा हिंदुस्तानियों को बताया। लेकिन यहाँ जो जयचंद हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं तो बाकी हिंदुओं को मिलके उनका घोर विरोध करना चाहिए। सरकार से मांग करो इनको पकड़ो और सीधे अंदर करो। कलंक लगाते हैं, अरे कुत्तों से पूछो, जब हमें हम एक तरफ वर्ड को चैलेंज कर रहे हैं और यहीं के कुत्ते हमारे ऊपर कलंक लगा के छिप के बोल रहे हैं। जब कहो मोबाइल नंबर दो तो छुप, कोई जवाब नहीं। इस चप्पल के खुली बेसर्मी क्या होगी है? अरे भगवान साहब, आप कैमरे के नज़र में हैं, हमको हंसी आती है, कहीं देखते हैं आप कैमरे के नज़र में हैं। एक जान पहचान के थे, हमने कहा महाराज सब तो कैमरे की नज़र में है, आप भगवान की नज़र में। भुवन पांडे के मकान के बगल में है, भुवन पांडे की आप हमारी कहीं लड़ाई देख ले मालूम पड़ेगा बम फटने जा रहा। तो हम लोग आत्मा से नहीं लड़ते हैं, आत्मा से हम उनकी कभी हंसी मजाक में भरे को भाई कहीं थोड़ा नरम गरम हो जाए तो पत्नी को भी खराब लगा, वंडे बियर पहने हैं, बनियान पहने हैं, वह बना रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, चलिए ठीक है, मेन चीज़ है कि हम उनको हृदय से मानते हैं बात कथा, और वो हमको हृदय से मानते हैं, हमारी उनकी संधि हुई है। कहाँ सरजू जी में आज अयोध्या के बारे में पूछो भुवन से, अयोध्या के बारे में जामन तक लाते हैं दही का, इतना अनुरागी है, रामानुरागी है, सबके अलग अलग भाई, एक जैसे सबका थोड़े स्वभाव हो जाएगा। है तो रामानुरागी पूरे पांडे खानदान में, भुवन पांडे के जैसा कोई रामानुरागी हो तो हमको बताओ। 400 करोड़ का मंदिर है प्रमोद वन अयोध्या में, इनका बाप दादों का 400 करोड़ उसकी कीमत है, प्रमोद वन पांडे मंदिर, प्रमोद वन अयोध्या में फेमस जगह। वहाँ के जो जामन लाते हैं दही का, उसी जामन से जामन बनाता है, इतना प्रेमी है साहब। लेकिन भाग्य की बात देखो कि स्नान करते समय हमारा नाती जो मानस है, सरजू जी के अंदर शिवलिंग मिला, पैर पड़ा, उसको लगा कि ये शिवलिंग ऐसा है कुछ, देखो भाग्य में था हमारी अंजलि का छोटा बेटा। अरे हम कहा भैया निकालो, अरे हम कहा वाह मानेश्वर महादेव, अरे भाई किसी ने कोई नहीं पूजा वूजा कर पा रहा होगा, उसने डाल दिया सरजू, और तमाम पत्थरों में पैसे पैर पड़ा, और उसको समझ में आया कि देखा निकाल के, और कुछ ढंसा ऐसा था, सांस रोक के अंदर करके निकाला। अरे कहा देखो, फिर लखनऊ वाले मकान में उनको रख दिया। ये कर्म से होता है, माता पिता के कर्म से होता है, उसके लाभ उनके पुत्र भी उठाते हैं। रोज शाम को इतना पसीने से नहा जाती है अंजलि जो है, इतना घास हरी हरी घास निकाल करके छील के हमने वीडियो बनाया, उनका देखो प्रकृति के साथ चलो, न करोना न करीना, मेहनत करो पसीना बहाओ, हल्का खाओ आवे करोना, लेकिन माँ ठूसे ले रहे हैं। हे, और मन को मुलायम रखो, अगर तुम्हारा मन मुलायम है, नोट करो करोड़ों रुपए की बात मेरे मुंह से निकलने जा रही है, अरे अगर आपका मन मुलायम है देश के प्रति, अपने लिए, अपने धर्म के लिए, तो तुमसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है। आज योगी मोदी अमित शाह से बड़ा अगर कोई महात्मा साबित करे तो हमसे बात करे आके मुझसे, मैं उनको रिकमेंड करता हूं अपने घोर तपस्या से। पूरी जिंदगी खपाई है, एक कहानी बन गया, इतिहास बन गया, आओ देखो आके, और फिर भी चाह नहीं ये एनजीओ बना लें, अवार्ड मिल जाए, कभी मैंने सोचा ही नहीं, अपना कर्तव्य समझ के मैंने काम किया,
जैसे मोदी योगी अपना कर्तव्य समझ के भारत के लिए काम कर रहे हैं, कर्तव्य को निभा रहे हैं, वरना इतने पावर में आने के बाद कितनी दौलत इकट्ठा कर लेते चुपचाप। एक बात कहीं ना कहीं से तो दीप हो ही जाती है, बिना आगे के कहीं धुआं नहीं होता, इसलिए हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। आज भी हमने प्रतिज्ञा किया कि नहीं, कम से कम हम नहीं रहेंगे तो मोदी जी सोचेंगे अरे जो बाबा के ये कहना था कि हमें भारत रत्न में दिया जाएगा, मैं इनकार कर दूंगा, बस एक शर्त हमारी होगी, मोदी जी का छुआ हुआ जल हमें दे दो, बस चरण की धो तो असंभव है, न देंगे न हमको मांगना भी नहीं चाहिए, ताकि हमारे प्रभु कहीं उनके नाराज ना हो या उनके दिल में दुख ना हो जाए। अरे भारत को भारत बना दिया, भारत विश्व का पहला एकमात्र देश और रसातल को जा रहा था, यह कलयुग था, उस देश को बचाया इस मसीहा ने। इससे जितनी बार इनका हम नाम लेंगे हमको पुण्य होगा, इनके खिलाफ बोलने का मतलब आपको पाप लग गया, नोट कर लो, हमें आप कुछ भी उल्टा सीधा दिखते हो आपको पाप लग गया। और रोज एक फोन करता है ना वो उल्टा सीधा कुछ ना कुछ, हम कहा बेटा कहना तो नहीं चाहिए क्या, मोदी योगी तो बहुत प्रयास में है, लेकिन आखिर चाहे जितना प्रयास करें कोरोना में मरना तो है ही है, तो बेटा ज्यादा नहीं, हो सकता है तुम्हारा नंबर जल्दी आ जाए, क्यों इसी बात करते हो, खुराफा। रात में 3-3 बजे फोन करता है, 3 बजे 2 बजे खुराफा। आप बंदर का पैसा खा रहे हो, आप शांतिलाल का पैसा वापस कर दो, कौन है क्या है इससे मतलब नहीं। और बाकायदे फोन आता हर नंबर बदल बदल के, तो मैंने कहा, हमने कहा बेटा करोना जाते जाते तुम्हें तो ले जाएगी, क्यों चाहे जितना आप उपाय करें, तेजी से फैल रहा है लॉकडाउन, जो ढील डाली गई है तो आज हमने मांग किया है, उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किया है कि हे प्रभु, हे योगी महाराज, इतनी छूट न दो, क्यों एक दुकान को आपने ऑर्डर किया, दो को दो चार और खुल गए, आप नहीं रोक पाएंगे। अब तो यह कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, लॉकडाउन को प्रभु रोकिए, जब आप तो सारी व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ तक ये बताओ दारू तक बेचवा करके और पैसा वो पैसा इकट्ठा करके और ये सब ये लोग लगा रहे हैं, इससे बड़ी बात कोई होगी, देश के लिए बेचारे काम कर रहे हैं, मर रहे हैं देश के लिए, ये भगवान नहीं तो है कौन, कौन है ये कौन भगवान? आज तक जितने भगवान का आपने माला जपा है, जितना आपने पूजा जो भी किया, मंदिर बनवाया, भंडारा किया, उसका फल प्रतिफल क्या हुआ, तुम्हारे औलाद की कसम है सही बताना, क्या उसका फल प्रतिफल सामने तुम्हारे आया है? ये दोनों भगवान ने देश को ही बदल दिया, रसातल को जा रहा था वहां से खींच लाए और जिंदा कर दिया। 75% आज देश हमारा, हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान है, ये सनातन धर्म का है स्थान, हरि बाप बाप मथुरा काशी अयोध्या प्रयाग बद्रीनाथ केदारनाथ और कितने नासिक में देखो कहाँ कहाँ सारी जगह तीर्थ, सारी जगह मंदिर, और वहां गाय काटी जा रही थी, वहां कई मुट्ठी भर लोग कत्लेआम कर रहे थे हिंदुओं का, ये देश चल रहा था, तरक्की कर रहे थे, अच्छा तरक्की, मैंने ये किया, मैंने चुरे भाव में जाए तेरी तरक्की रे, बाबा लोग जड़ी बूटी से अपने आप को ठीक करते हैं, भारत देश हमारा जड़ी बूटी से घड़े के पानी से छप्पर के नीचे रह के पैदल खड़ाऊ पहनने वाला भारतीय, हमने इतनी आबादी बढ़ा दिया, तुम नहीं भूखे मरोगे तो मरेगा कौन, सरकार करे
सरकार करे, सरकार कोई भगवान है क्या? अरे वो भगवान जैसा काम करके देश को बचा दिए, बचा रहे हैं, इसलिए उनकी वंदना करो, उनका गुणगान करो। और एक बात याद रखो, कोई भी आदमी हो, अगर तुम्हारे यहाँ सच्चा है, धर्मात्मा है, जैसे पोस्ट मास्टर है, वो कहीं मिले उसके चरण छू लो, चरण छू लो, एक गिलास पानी उससे मांग के पी लो, तो आधे पाप तो तुम्हारे इसे धुल जाएंगे। ऐसे लोग हैं पोस्ट मास्टर, उसके टक्कर के देखा उनको महात्मा। मोदी योगी से बड़ा कोई महात्मा हो आज के समय में मुझे बताओ, महात्मा का परिभाषा क्या है? करोड़ों गौओं की जान बचाने वाला ये मसीहा, तभी तो इनके हाथ में इतना जैसा गया। देखो गोरक्षा का चमत्कार, देखो बानर भोज का चमत्कार, सारी बानेरे भोज नहीं, सारे पशुओं की सेवा किया, तब आज इस मुकाम पर आ गए कि दुनिया को ललकार दिया। गौ माता का चमत्कार देखो, ये अमेरिका का पिछले राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, अरे बाप रे बाप, देख के टीवी में, अरे कितनी खुशी होती थी कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं, कितनी खुशी होती थी कि यही जो ट्रम्प ऐसे बैठे पब्लिक में, हम कहां है, मोदी जी भाषण दे रहे हैं विश्व की महाशक्ति, और पब्लिक में ऐसे बैठे ट्रम्प साहब। ओबामा जी चीनी चलाक दे रहे हैं कहीं मोदी जी को, यानी एक चीनी चलाने का कष्ट न उठाना पड़े। अरे बाप रे बाप, उस मंजर को देखा, मेरे लोगों की आज्ञा नहीं खुली, कुत्ते आ गए तुम हिलाने वाले हैं। अरे साहब टुकड़ा दीजिए, अभी देखिए हम बखिया उधड़े देते हैं, क्योंकि मैं जयचंद हमारे बाबे तो रहे, ऐसे भी कुत्ते हमारे देश में आज मौजूद हैं, टुकड़े पर काम करते हैं, यहाँ कोई टुकड़ा नहीं चाहिए। एक ख्वाहिश देखो अंधा समाज, एक बोतल पानी भी नहीं हमें नसीब हुआ, और फिर भी मैं उनको उनकी वंदना कर रहा हूँ। क्यों? आत्मा ये कहती है कि जिस दिन उनको हमारे बारे में पता चला, हो सकता है वो हमारी जान परीक्षा भी ले ले, भगवान भी परीक्षा देते हैं, ये तो मनुष्य है कि जरा देखो बाबा की औकात क्या है। कि बाबा हर जगह यही बोलेगा कि नहीं साहब, एक बोतल पानी मोदी योगी का हमें दे दो, हमें शाह ही दे दे, कोई दे दे, हमें कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मैं मौत के ट्रेन में बैठ चुका हूँ, हमें कोई अवार्ड नहीं चाहिए, बस हम जो अपनी वारिस छोड़ के जाएंगे उनके लिए आप लोग कुछ करें, बस रुपया पैसा मत दो, उनकी कोई मदद हो, सरकारी मदद हो, कोई उनको राहत दिया जाए बस। जब हमारी बेटियां भी, आज हमने ज्ञान नाम की महिला है दिल्ली में, लाजपत नगर के बगल में इस्कॉन मंदिर है, मंदिर के पास में वो रहती है, ज्ञान नाम का महिला है वो, बहुत धर्मात्मा, अब बेचारी आँख का ऑपरेशन होना हो, बंदर किसको दे, बच्चा, सुमन माँ से मिलवाया, सुमन माँ से फोन से बात हुई, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाई, कोई जा पा रहा, वो भी बड़ी प्रसन्न हुई। हमने कहा सुमन माँ से पूछो पूरी कहानी, सोमन माँ के यहाँ भी कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, हड्डी टूटे हुए, तो मामूली बात है, जिनको कुत्ता बिल्ली कहते हो, अरे जिनको बंदर कहते हो, जिनको गाय कहते हो, हमसे तुमसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, प्रकृति के साथ में है, और ये इंसान सबसे बड़ा है दुश्मन, सबसे बड़ा। चुप, सारे पेड़ किसने काटे, बोलो, गौ माता ने काटे कि शेर भैया ने काटे, किसने काटे, अपनी सुख सुविधा के लिए किसने पेड़ काटे, करोड़ों पेड़ काट के गिरा दिया, गाड़ियों की संख्या किसने बढ़ाई, दे दे के लाइसेंस, यह कंपनी वो कंपनी, यह कंपनी वो कंपनी, हर साल मॉडल बदल रहा है,
इसी में दुनिया मरी जा रही कि पैसा आवे जहाँ से आवे हम वाहवाही में लोग दिखावे कि देखो हमारी कार्यत देखी है। चाहे जितनी प्रदूषण बढ़े ये जिंदगी है, अरे इंसानों तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा जानवर है, तुम पूजा करते हो, धर्म की बातें करते हो, हैं? अरे पहले प्रकृति को बचा ले। इसीलिए मैंने हमको बड़ी आशा है तो हो सकता है हमारे जीते जी शायद ये प्रभु करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि लाखों करोड़ों पेड़, लेकिन ये बेकार वाले पेड़ नहीं, न फूल न फल लग रहा है, नहीं जदे जदे पीपल बरगद पाकर गूलर, ताकि चिड़ियों को बंदरों को उसका उनको भोजन मिले और बंदरों का भी नसबंदी किया जाए। साहब बड़ी तेजी से इनकी आबादी बढ़ रही है, जब लोग परेशान होंगे तो कहें बस गोली मार दो, सरकार की यहाँ यही तो है गोली मार दो, इनको नहीं मालूम कि तुम गोली मारने का आदेश दोगे तो तुम्हारी पार्टी को ही गोली लग जाएगी, तुम्हारा नेत नाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे तुम। मिश्र आज शर्त लगाकर अगर दम है तो बताए ना कि जो सारे कुत्ते होते हैं छुप के आने वाले, तो हमने कहा तो कहीं ना कहीं चलिए भक्त में सबसे बड़ा कौन है, हनुमान जी से बड़ा कोई दिमाग में नहीं आता, और उनके लिए कहा गया है राम काज करबे को आतुर, इसलिए राम काज करो यही चाहते हैं हनुमान जी। वाह वाह रे चंदा साहब, जय हो तुम्हारी, जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो शिवा मिश्रा, अंकुर जी मैं अपने आप को सबसे छोटा समझता हूँ, मुझ में पांडवों वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, नहीं किसी बात का गम है, मैं बाबा को सपोर्ट करने आया हूँ, उनकी नज़र में महान नहीं। शिवम मिश्रा, एक बात का और ध्यान दीजिएगा शिवम जी, कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भाई देखो कोई आदमी हो अगर ललकारे तो हम तो दुनिया के आगे बोल रहे हैं, हमारा मोबाइल नंबर दो ठो है, हमारे घर का पता सब तो है दुनिया के सामने, ये जो आते हैं कुत्ते टाइप के, इनसे देखो इनसे लाभ भी होता है कि कम से कम हमको अपना, आज हमने यही तो हमने कहा चलो इस बात का हम दावे, और जबकि रह गई आवाज की बात, एक मेरा फिर ये सवाल है कि आज तक जितने लोगों को जो भी अवार्ड दिए गए हैं, क्या उन लोगों ने हमारे क्षेत्र में, जो हम सबके अलग अलग क्षेत्र हैं, हमारे क्षेत्र में क्या किसी ने हमसे ज़्यादा काम किया है? उसने केला ऐसा कि कहना पड़ा इसे बाबूजी, मात रही मेरी पुकार, के सामने मोदी ने भरा हुकार, केला ऐसा कि कहना पड़ा इसे बाबूजी, मात रही मेरी पुकार। अच्छा ठीक है सर, ये लोग हो गई शादी,
ये क्या है, चंद्र साहब बाबा जी आप जब लाइव पे आते हैं तो इतना लंबा लाइन का वीडियो लोग पूरा नहीं देख पाते हैं, जैसे बहुत लंबा वीडियो होता है तो लोग बाद में खोल के नहीं देखते, इसलिए आप अपने संदेश को संक्षिप्त में एक छोटे 3-4 मिनट का डाल दिया करें। अच्छा ठीक है चंदा जी, बहुत बढ़िया आपने राय दिया। जोरू का अपनी बेटी का जो न हुआ उसने बड़ा दोगला कोई हुआ क्या पूरी दुनिया में। अच्छा इनके लिए हमको लखनऊ से भी एक फोन आया था, हाँ कि कोई इस नाम का, ये इसलिए इस नाम को लिखता है या और कोई, ताकि हम किसी त्रिपाठी को गाली दें, महाराणा को गाली दें, इसीलिए ऐसा नाम ये सब जानते हैं सब, तो हटाना भी जरूरी होता है, माहौल खराब करते हैं ये। आपका किसी को भेजने में भी आसानी होती है और किसी को भेजे तो वो देख लेते हैं आसानी से, तो लोग आलस करके नहीं देखते। ठीक है ठीक है, ये भी हम इसको भी करके देखेंगे, आप हमको टाइम बता दीजिएगा कि कुल कितने टाइम का होगा। देवेश जी अच्छा इस पर भी आ गए, चलिए अच्छा समझ गए, अब आया पकड़ में ये, अब ये कुत्ता पकड़ में आ गया। जनता को डरवाते हैं हाँ कि कंगाल हो जाएगा, सही बात। उदित जी राम जी प्रदीप कर साहब आ गए, ठीक है आप जब लाइव पे आते हो तो इतना लंबा लाइव का वीडियो लोग पूरा नहीं देख पाते, जैसे बहुत लंबा वीडियो होता है लोग बाद में खोल के नहीं देखते, इसलिए आप अपने संदेश को संक्षिप्त में एक छोटे 3-4 मिनट का डाल दिया करो। ठीक ठीक कहा आपने, ठीक कहा, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट का, 10 मिनट तो बड़े आराम, 10 मिनट तो इसे बीत जाएगा, एक संदेशा केवल दे देंगे, है ना। ठीक कहा आपने, बहुत बढ़िया आपने कहा बाबा जी। अच्छा अनु शुक्ला जी, बरगद पीपल और पाकड़ के पेड़ जो भी व्यक्ति लगाए उसका और उसके परिवार का कल्याण होगा और पुण्य का भागीदार, पर्यावरण के क्षेत्र में बाबा जी 75 साल का अनुभव है कानपुर जी। नहीं इस बहुत बड़ा काम करेगा, मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा काम करेगा। कोई माई का लाल करके देखो, अगर पंडित जी और ज्योतिष जी बता रहे हैं शनि आने वाला है और राहु तुझे खाने वाला है, तो गाँव चले जाओ, देहात चले जाओ, पीपल का पेड़ लगवाओ, सीजन आ रहा है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर तक लगा दो, अक्टूबर में फिर वो जाड़ा आ जाता है, नवंबर में पेड़ वहीं रुक जाता है, लेकिन अब नहीं टाइम है, अक्टूबर तक लगा दो, समझ गए, वहाँ तक लगा दो, लगा के देखो। सही बात, बहुत बढ़िया आपने रास्ता निकाला चंदा साहब, न रहे बांस न बजे बांसुरी। बिल्कुल बिल्कुल
दस मिनट का होना है ना, ठीक। और कोशिश करें कि उसमें आप दिखें, ठीक है भाई। तो बोलेंगे सामने तो बोलेंगे ही, जागरूक करते रहें वीडियो बना के। जय हो विवेक मिश्रा जी, पटेल साहब, इसलिए पीपल और तुलसी जैसे वृक्ष की पूजा होती है। जय हो, वाह, जय हो देवेश। संजय सिंह साहब, जय हो आपकी, जय हो। हाँ हाँ हाँ, जय हो। देखिए एक संदेश आया है, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं होता है ना, हम इतने ज्यादा काबिल हैं। आज महाराणा प्रताप की जयंती है, प्रत्येक हिंदुओं का कर्तव्य है, कर्तव्य है उनका भाई। कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे पाप लगेगा, कर्तव्यों का पालन न करना पाप लगेगा। तो कर्तव्यों का पालन कीजिए। आज महाराणा प्रताप जी के लिए आप लोग अभी मन में प्रतिज्ञा करें कि आने वाले समय में मोदी योगी सरकार से, भाई हम यूपी की ही बात करेंगे, अब गैर प्रांत का तो हम नहीं जानते हैं, कि महाराणा प्रताप के बारे में भी स्कूलों में यहाँ वहाँ पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए, बताया जाए। और जय श्री राम, अब चूंकि इतना बाद अब चंद्रा जी ने बताया और हम उसका पालन करें, इसलिए आज हम वाणी को यहीं विराम देंगे। थोड़ी कुछ भूख भी लगाई है तो ठीक है, और बाकी हम कल से घड़ी देख कर 10 मिनट बस आया अपना बोला लिख के रख लेंगे, संदेशा बोलेंगे ऑफ कर देंगे, लोग सुनो देखो जानो बस, है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।